हाय एवरीवन, मैं हूँ रीदा और आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल व्लॉगर रीदा में। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो कर चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग मतलब वीडियोस को देख रहे हैं और उसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ रहे हैं किसी जगह के बारे में कि वहाँ कैसे जाएं, कहाँ स्टे करें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो लास्ट वीडियो जो आपने देखी थी मेरी वो थी कैंची धाम मंदिर की, और बहुत से लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा कि हम लोग जो है अगर वहाँ जाना चाहें तो हम वहाँ पर कहाँ स्टे कर सकते हैं और वहाँ कैसे जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना मतलब एक कंप्लीट वीडियो बना दूं आप लोगों के लिए, आसानी रहेगी। तो आज की जो वीडियो है मेरी वो कैंची धाम मंदिर में मतलब आप कैसे जा सकते हैं, वहाँ पे कहाँ स्टे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की फुल डिटेल्स आपको मिलेगी। आपको कितना खर्चा आएगा डिपेंड करता है आप पे, आप कितने खर्चे ले हो। अगर आपको कैंची धाम मंदिर के बारे में जानना है कि वो मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है, नीम करौली बाबा जी कौन थे, तो उसका जो मैं एक वीडियो में पहले बना चुकी हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैंची धाम मंदिर कैसे जाएं। तो कैंची धाम मंदिर ना लिटरली मतलब बहुत खूबसूरत जगह है, जिसको कहते हैं ना मतलब ब्यूटी और स्पिरिचुअलिटी का एक जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो लोग मतलब सुकून चाहते हैं, जो लोग शांति चाहते हैं, नेचर लवर हैं, तो वो लोग यहाँ पे ज़रूर जाएं, आपको लिटरली बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब बहुत से लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं कि हम वहाँ पे कब कब जाएं, तो आप साल में किसी दिन भी जा सकते हो, वो मंदिर हमेशा खुला रहता है। और आप मतलब ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है वहाँ का कि आप इस दिन ना जाओ या इस दिन ना जाओ। हाँ, जो लोग सुंदरकांड, किसी का मुझे कमेंट आया था कि मुझे वहाँ पे जो है सुंदरकांड पाठ पढ़ना है, तो मतलब जो लोग सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप लोग वहाँ पर जो है मंगलवार और शनिवार के दिन जाए, क्योंकि सुंदरकांड का पाठ जो है मंगलवार और शनिवार के दिन ही पढ़ा जाता है। मॉनसून के टाइम पे ना थोड़ा सा ट्रिकी रह सकता है, क्योंकि एक तो ट्रैफिक जाम की वजह से, एक भारी बरसात की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश आती है, और ऊपर से मतलब अगर आप बच्चों के साथ हैं, आप बुज़ुर्ग लोगों के साथ हैं, फैमिली के साथ अगर आप वहाँ पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं आपको रोड ख़राब मिल सकता है तो आपको पैदल जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। तो चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपके आने के इंतजाम कर लेती हूँ। तो अगर आप ट्रेन के थ्रू आ रहे हैं तो आपको जो है लास्ट स्टेशन है काठगोदाम, आप काठगोदाम पे पहुँच सकते हैं। और दिल्ली से अगर आप आ रहे हैं तो वहाँ से तीन ट्रेन आपको मिलेगी, एक है संपर्क क्रांति, शताब्दी एक्सप्रेस और रानीखेत एक्सप्रेस। तो सेकंड ऑप्शन, अगर आप बस के थ्रू आना चाहते हैं तो आनंद विहार से आपको जो है बसेस मिल जाएगी। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो आपके लिए जो है नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है पंतनगर, जो कि 76 किलोमीटर दूर है कैंची धाम से, और आपको वहाँ से जो है पंतनगर से टैक्सी करके बुक करके वहाँ से आना पड़ेगा कैंची धाम के लिए, या फिर आप टैक्सी बुक करके नैनीताल आ सकते हो, नैनीताल से आप बस से भी कैंची धाम जा सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके लिए भी एक ऑप्शन है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप काठगोदाम हल्द्वानी मतलब आप हल्द्वानी पहुँच गए हैं तो फिर आप हल्द्वानी से जो है कैंची धाम कैसे जाएं। तो काठगोदाम से आप जो है टैक्सी बुक कर सकते हो, आप बुक भी कर सकते हो या आप शेयरिंग में जा सकते हो, 150 रुपया मतलब आपको खर्च करना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा तो आई थिंक वो ज़्यादा लेंगे, 1100-1200 रुपया ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप जो है हल्द्वानी बस स्टैंड जो है आप वहाँ से बस ले सकते हो, ठीक है। तीसरा एक बेटर ऑप्शन ये है, आपको वहाँ पे बसेस कहाँ से मिलेगी, देखो या तो आपको जो है उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट की जो बसेस हैं वो आपको बस स्टैंड से मिलेगी, वो आपको जैसे कि अल्मोड़ा वाली मिलेगी, रानीखेत वाली मिलेगी, तो आपको उन सब में जाना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा नहीं चलती है वहाँ पे जो है, ज़्यादा जो है अगर कैंची धाम के लिए जो है ज़्यादा प्राइवेट बसेस चलती है, तो वो जो बसेस है वो है केमो बसेस। तो आपको जो ये बसेस है ये मिलेगी आपको जो मतलब बस स्टैंड है, हल्द्वानी बस स्टैंड है उसके बैक साइड में जो है केमो बसेस आपको वहाँ से मिल जाएगी, और वहाँ पर जो फेमस लोकेशन है वो है शमा रेस्टोरेंट, ठीक है, हल्द्वानी का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है शमा रेस्टोरेंट, तो आपको उसके बाहर से जो है बसेज यहाँ से इजीली मिल जाएगी।
तो ये जो बसेस है ये आपको मिलेगी, यहाँ से अल्मोड़ा वाली मिलेगी, रानीखेत वाली मिलेगी या गर्म पानी वाली बसेस मिलेगी, आपको इसमें बैठ जाना है और आपको कैंची धाम में उतर जाना है। तो अब आपके जो है रहने का इंतजाम कर लेते हैं। तो रहने के लिए वहाँ पे जो है लग्जरी होटल्स भी हैं, कॉटेजेस हैं और आपका होम स्टे है, गेस्ट हाउस है वहाँ पे, धर्मशालाएं हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे कहाँ रहना चाहते हैं। तो अगर आप मंदिर के आसपास में रहना चाहते हैं या फिर कैंची धाम में ही रहना चाहते हैं, होटल्स वगैरह सब कुछ है वहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ और है कि आप अगर आश्रम में ही रहना चाहते हैं तो आपको वहाँ के जो आश्रम के मैनेजर हैं आपको उनसे बात करनी पड़ेगी और परमिशन लेनी पड़ेगी वहाँ पे रुकने के लिए। और आप मैक्सिमम वहाँ पे 3 डेज रुक सकते हैं, 3 डेज से ज़्यादा आपको वहाँ पे स्टे करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो उसके अलावा अगर आप बाहर रुकना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप होटल्स में रुकना चाहते हैं या फिर आप गेस्ट हाउस में, होम स्टे में, कहाँ पे रुकना चाहते हैं, तो बेटर ऑप्शन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप थोड़ा और बाहर रुकना चाहते हैं कि आप कैंची धाम में नहीं रुकना चाहते हैं, आप कैंची धाम से, तो देखिए भीमताल नज़दीक पे हैं, भवाली नज़दीक पे हैं, नैनीताल नज़दीक पे हैं। नैनीताल 17 किलोमीटर दूर है, भवाली 7-8 किलोमीटर दूर है, भीमताल की अगर मैं बात करूँ तो 10 से 11 किलोमीटर दूर होगा। तो उसके बाद अगर हम बात करें खाने की, अगर आप उधर कहीं मान लो आप दिन में गए हो, आप वहाँ पर स्टे नहीं कर रहे हो, आपको अगर खाना खाना है तो उसके लिए वहाँ पर जो है अनुपम रेस्टोरेंट है, पहले नहीं था बना हुआ, अब जाके बना है, बहुत अच्छा बना है, मतलब खाना बहुत औसम है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता है। तो ये आपके जो है खाने आने जाने के रहने के सारे इंतजाम मैं कर चुकी हूँ। सो गाइज, आई होप मैंने आप लोगों की काफ़ी हेल्प की हो इस वीडियो के थ्रू, और थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मतलब मेरी वीडियोस को देखा जा रहा है और उसके बाद मुझसे पूछा भी जा रहा है कि वहाँ पे क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में लोग अब अपनी राय भी दे रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो देखो कहते हैं कि मतलब हनुमान जी के मंदिर जाने के लिए शनिवार और मंगलवार का दिन अच्छा होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग जिस दिन जाना चाहो, जो आपको सूटेबल लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास छुट्टियां नहीं होती हैं, जिस दिन पे आपको छुट्टी मिलती है आप उस दिन पे जाओ। तो भगवान के दर्शन करने के लिए आपको किसी दिन का मोहताज नहीं होना है, आप किसी दिन भी जा सकते हैं, आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले मिलेंगे। तो आपको बस अपने मन के दरवाजे खोलने हैं कि मुझे जाना है, अपनी श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ वहाँ पे जाना है, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और नीम करोली बाबा जी का आशीर्वाद आप पे बना रहे, और आपका विश्वास उन पे बना रहे, उनका आशीर्वाद आप पे बना रहे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो आज की अच्छी लगी हो। सो गाइस, और भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं कहाँ की वीडियो बनाऊँ, और कुछ कमियाँ हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं और उसे पसंद भी कर रहे हैं और अपनी राय भी दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।